الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إن يمرون حلقة ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حد الأنثيين قرآن مجيد سورة النساء في آخر آية वो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है जिसमें मरने वाले भाई या बहन की विरासत में जिंदा भाई या बहनों की विरासत का ज़िक्र है असल में हमारे यहाँ एक चीज़ इतलाक ये कह दी जाती है या मान ली गई है कि भाई के माल में दूसरे भाई का कोई हिस्सा नहीं होता है न जिंदगी में न मरने के बाद हालांकि हकीकत यह है कि ज़िंदगी में भी कभी कभी भाई के माल में भाई का हिस्सा हक़ होता है नफकी की कोई सूरत बनती है और मैंने जो आयत पढ़ी विरासत का मसला है विरासत में भी मरने वाले भाई बहन के माल में ज़िंदा भाई बहनों का हिस्सा होता है कभी होता है कभी नहीं होता है इसलिए ये कहना ग़लत है कि भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं होता है और ये कहना भी गलत है कि हमेशा हिस्सा होता है कभी होता है कभी नहीं होता तो आइए मैं मुख्तर तौर पे आपके सामने वो हालात रखता हूँ कि कब हिस्सा नहीं होता है और कब हिस्सा होता है देखिए अगर एक भाई मर जाए और उसके मरने के बाद उसका बेटा जिंदा हो जिस दिन उसका इंतकाल हुआ है, उस दिन उसका अपना बेटा जिंदा हो खुद का बेटा जिंदा हो तो फिर उसके भाई बहनों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा ये एक सूरत है इस सूरत में मरने वाले के भाई बहनों का हिस्सा नहीं है दूसरी शक्ल क्या है कि एक भाई मर गया और उसका बेटा नहीं है लेकिन उसका बाप जिंदा है मरने वाले का बाप जिंदा है तो अगर बाप जिंदा है तो भी मरने वाले के भाई बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता है ये असल में हम बात कर रहे हैं सगे भाई बहनों की अगर हम और जो थोड़ा सा डिटेल में जाएं माँ शरीक भाई बहनों की तो उसकी तफसील थोड़ी सी अलग है बात बहुत उलझ जाएगी मैं सिर्फ जो हमारे यहाँ आमतौर तो से रिश्ता होता है ना सगे भाई बहनों का मैं इसे उसी पर फोकस कर रहा हूँ तो सगे भाई बहनों की ये दो शक्ल है कि जब ये लोग होते हैं यानी ऊपर की नस्ल में या नीचे की नस्ल में कोई मेल है रिश्तेदार नीचे की नस्ल में जैसे औलाद इसमें अगर कोई कोई मेल रिश्तेदार है बेटा या पोता कोई भी और ऊपर की नस्ल में भी अगर कोई मेल रिश्तेदार है यानी वारसीन में कोई मेल है जैसे बाप दादा या परदादा जितना भी ऊपर जाए तो भाई बहन फ़ौरन कट जाते हैं मेरे से उनको कुछ भी नहीं मिलता तो ये दो हालत मैंने आपको बताई कि भाई बहन को नहीं मिलता एक और शकल है अखबाल उम की उसको अब फिलहाल अलग रखते हैं हम सगे भाई बहनों पे या बाप शरीक भाई बहनों की बात करते हैं अब वो हालतें देखते हैं जिसमें भाई के माल में भाई का हिस्सा होता है नहीं भाई की विरासत मरने के बाद पहली शकल यह है कि एक भाई मर गया उसकी शादी ही नहीं हुई थी उसकी ना बीवी है ना बच्चे तो इस शक्ल में उसके जो भाई बहन हैं जिंदा उनको हिस्सा मिलेगा और ये शक्ल ऐसी है जिसको हमारे माशरे में बहुत सारे लोग तस्लीम भी करते हैं यानी मानते भी हैं लोग कि भाई वो भाई मर गया उसका चूँकि कोई नहीं आगे पीछे ना बाप है ना बेटा है ना कोई है ही नहीं उसके आगे पीछे ना बेटा है ना बाप है ना बीवी है तो उसका माल उसके भाई बहनों को मिलेगा ये होता है इसको लोग मानते हैं तो ये एक शकल है ये तो बहुत आम फहम शकल है दूसरी शक्ल ये है कि एक भाई की शादी हुई और मर गया उसकी शादी हुई उसका बाप भी नहीं है उसका बेटा भी नहीं है शादी हुई लेकिन कोई औलाद नहीं है न बेटा है न बेटी है और ना बाप है कोई नहीं है बस उसकी शादी के बाद उसकी बीवी है बस मर गया उसकी बीवी है तो इस कंडीशन में भी उसके भाई बहनों का हिस्सा है उसके जितने भी जिंदा भाई बहन है सबको हिस्सा है और कितना है बीवी का हिस्सा होगा एक बटे चार यानी चौथा हिस्सा होगा और उसके जो भाई बहन हैं बाकी पूरा रिमेनिंग उनमें जाके वन डबल के हिसाब से आ, अगर भाई बहन दोनों है तो वन डबल के हिसाब से बटेगा सिर्फ भाई है तो पूरा रिमेनिंग ले लेगा ले या कई है तो बराबर ले, ले लेंगे बहने हैं तो वो भी उसी हिसाब से जितना भी बचेगा सब आपस में बांट लेंगे तो ये दूसरी शक्ल है कि मरने वाले भाई के माल में भाई बहनों का हिस्सा है जब उससे शादी भी हो चुकी बीवी है हमारे माशरे में इसको लोग तस्लीम नहीं करते लोग कहते हैं कि अगर उसकी बीवी तो है तो अब सारा माल बीवी लेगी उसके भाई बहनों को हमारे यहाँ नहीं दिया जाता ये बहुत गलत है न सिर्फ ये कि इस कंडीशन में उसके भाई बहनों का हिस्सा है बल्कि बीवी की बनिस्बत मतलब एक चौथाई बीवी का है बाकी तीन बटा चार पूरा उसके भाई बहनों का है यानी एक आदमी चार करोड़ छोड़ के मर गया तो उसकी बीवी का सिर्फ एक करोड़ है बाकी पूरा तीन करोड़ उसके भाई बहनों का है अगर उसके भाई बहन कई हैं तो वन डबल के हिसाब से लेंगे अगर सिर्फ भाई हैं तो आपस में बराबर बांट लेंगे एक ही है तो पूरा वही ले लेगा हत्या की चाहे सिर्फ एक बहन है तो पूरा ले लेगी फर्जन और रद्दन तो ये दूसरी शक्ल है जहाँ भाई बहन का भाई के माल में हिस्सा होता है तीसरी शक्ल भी आपको बता दूं इसको तो हमारा माशरा और भी तस्लीम नहीं करेगा मिसाल के तौर पर एक भाई मर गया और उसके भाई लोग जिंदा हैं भाई बहन उसकी शादी भी हो गई थी बीवी भी, भी है और उसकी बेटी भी है यानी औलाद भी है लेकिन औलाद में कौन है बेटी है तो इस केस में भी भाई बहनों का हिस्सा है भाई के मरते वक्त अगर उसके भाई बहन जिंदा थे तो उनका हिस्सा है मैं सगे भाई की बात कर रहा हूं दोहरा रहा हूं सगे भाई बहन जिंदा है बेटी है और सगे भाई बहन है तो उनका हिस्सा है यानी बीवी का जो एक बटे आठ है वो ले लेगी ले और बेटी एक है तो आधा ले लेगी ले ले, एक से ज्यादा है तो दो बटे तीन ले लेगी ले ले बाकी बचेगा तो जो भी बचेगा वो उसके सगे भाई बहनों में जाएगा अगर सिर्फ भाई है तो उसमें जाएगा सिर्फ बहन है तो उसको जाएगा दोनों है तो वन डबल के हिसाब से जाएगा ठीक है एक और शक्ल देखते हैं उसमें भी भाई बहनों को मिल सकता है एक आदमी मर गया उसका बाप नहीं है उसकी शादी हो गई थी उसकी बीवी भी है उसकी बेटी भी है और बेटा भी है बेटा भी है लेकिन मसला ये हुआ कि बेटा मुर्तद हो गया दिन से निकल गया वो इस्लाम से हट ये आजकल बहुत से लोग होते ना कहते मैं तो एक्स मुस्लिम हुई यानी मैंने इस्लाम छोड़ दिया मैं मर्तद हो गया तो अगर कोई मर्तद हो गया तो अब उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा और जो विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा तो उसका समझिए वजूद ही नहीं है यानी विरासत के केस में ये मान के चला जाता है कि ये शख्स गर्चे बेटा है लेकिन ये मौजूद ही नहीं है उसको गिना ही नहीं जाता है तो चूँकि वो वहाँ से हजफ हो गया ख़त्म हो गया तो अब भाई बहन का लिंक हो जाएगा हालांकि बेटा है ज़िंदा भी है लेकिन चूँकि वो मुस्लिम नहीं रह गया इसलिए भाई बहन जुड़ जाएंगे और उसकी विरासत जब बटेगी तो उसकी बीवी को मिलेगा उसकी औलाद को मिलेगा और उसके भाई बहनों को भी बचा हुआ मिलेगा क्योंकि ये जो बेटा उसको नहीं मिलेगा इसी तरह से एक और शक्ल भी बनती है ये शक्लें बहुत कम है जो मैं अभी गिना रहा हूँ लेकिन बहरहाल ये भी शक्ल कभी कभी बन जाती है कभी कभी होता यह है कि एक भाई हो मर गया उसकी बीवी है बेटियां हैं बेटा भी था लेकिन बेटे ने गलती है की कि, कि अपने बाप को कत्ल कर दिया यानी जो बाप मरा है ना वो बेटे की कत्ल करने की उसे मरा है तो इस केस में भी बेटे को वारसन की लिस्ट निकाल के बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि इसने अपने मोरि का कत्ल किया है तो इस्लाम का कानून क्या है कि जिसने कत्ल कर दिया मोरिश को फिर उसका हिस्सा नहीं दिया जाता तो चूंकि ये कत्ल कर दिया इसलिए जब ये लिस्ट से बाहर निकलेगा ना तो फिर फौरन भाई बहन कनेक्ट हो जाएंगे यानी ये मान के चला जाएगा कि इसका बेटा है ही नहीं हालांकि वो जिंदा है तो ये वो शक्लें हैं वो हालात हैं जिसमें एक मरने वाले भाई की विरासत में उसके माल में उसके सगे भाई बहनों का हिस्सा होता है सगे भाई बहनों से हमारी इस दरस में जो मुराद है वो ये कि दोनों के माँ बाप एक हों या दोनों के बाप एक हों बाकी एक भाई के किसी होते हैं ना माँ शरीक भाई उनका केस थोड़ा अलग है उसको इसमें मत इंक्लूड कीजिए वो थोड़ा अलग है मैं यहाँ नहीं ला रहा हूँ ताकि मामला थोड़ा उलझे ना लेकिन ये जो सगे भाई बहनों का मसला वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया खुलासा ये है कि जो हमारे यहाँ ये कह दिया जाता है कि भाई के माल में भाई का कोई हिस्सा नहीं अल इतला ये बात कहना गलत है इसमें तफसील है कभी भाई की विरासत में भाई का हिस्सा होता है कभी नहीं होता है तो जब कहीं किसी का इंतकाल हो जाए तो हमें देखना चाहिए कि इस केस में उसके भाई बहनों का हिस्सा है या नहीं है हिस्सा है तो उसको देना चाहिए उसको महरूम नहीं करना चाहिए मैंने कई शक्लें बताई हैं कि हिस्सा बनता है बल्कि वो शक्ल कि एक भाई मर गया और उसकी बीवी है तो इस केस में तो भाई बहनों का बीवी से ज़्यादा हिस्सा है लेकिन ये माशरा इतना जुल्म करता है कि इस केस में सारा उठा के उसकी बीवी को दे देता है उसके भाई बहन को देता ही नहीं हालांकि जिसका ज़्यादा हिस्सा है उसको नहीं दे जाता जिसका मंच चौथाई उसको पूरा उठा के दे देते हैं तो ये जुल्म हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए तो बहरहाल मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह तला ने यही कहा है यानी उसका ख़ुलासा मैंने आपके सामने बयान कर दिया है उसका ख़ुलासा ये है कि अगर कोई आदमी हलाक होता है उसकी औलाद नहीं है उसकी बहन है तो उसकी बहन का हिस्सा है यानी आधा उसकी बहन का हिस्सा है एक भाई मर गया ना उसकी बहन जिंदा है उसकी औलाद नहीं तो बहन का आधा हिस्सा है और अगर बाकी बहन के अलावा दूसरा कोई असमी रिश्तेदार नहीं है तो फिर आधा उसका फर्जी हिस्सा आधा रद्द रिटर्न उसको मिल जाएगा ना पूरा मिल जाएगा उसको और आगे है वहूआा यहाम वल अगर बहन मरती यानी मरने वाली औरत है और भाई उसका ज़िंदा है तो उस औरत के माल में भी भाई का हिस्सा है अगर कोई नहीं आगे पीछे तो पूरा भाई का हो जाएगा अगर उसका शौहर है तो भी भाई का हिस्सा होगा यानी औरत का औरत की औलाद तो भी भाई का हिस्सा होगा और आगे अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मरने वाला भाई है और उसकी सिर्फ बहनें हैं दो या दो से ज़्यादा हैं तो दो बटा तीन बहनों का होगा और अगर कोई दूसरा असवीर नहीं तो पूरा उनका हो जाएगा और आगे कहा कि वन का नो एक रिजाल व लूँ कि अगर मरने वाले के जो भाई बहन हैं भाई भी है बहन दोनों साथ में पाली जक्री मिसलो हाजिल उनसे तो वन डबल के हिसाब से भाई बहनों को हिस्सा मिलेगा ये उस आयत के टुकड़े का तर्जमा है जो मैंने शुरू में पढ़ा था ख़ुलासा ये है यानी तमाम पूरे दर्ज का ख़ुलासा ये है कि जब कहीं विरासत का मसला हो तो हमें आ, ये नहीं कह देना चाहिए कि भाई का कोई हिस्सा होता ही नहीं है हमें ये देखना चाहिए कि इस केस की सूरत हाल क्या है क्या इस केस में इसके भाई बहनों को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो जो विरासत का जानकार है उससे मिलना चाहिए उससे पूछना चाहिए अगर हिस्सा है तो भाई बहन को भी देना चाहिए नहीं है तो नहीं देना चाहिए तो ये चीज़ हम सबको समझना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको ये बातें समझने उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे आमीन या आम आलमीन ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन